स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के बच्चों का दोस्तों अब है यहाँ पे आप लोग का मैथ का पेपर। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में आप लोग वो जो है यहाँ पे टॉपिक्स जानने वाले हैं, वो क्वेश्चंस जानने वाले हैं जो आप लोग के यहाँ पे 11 मार्च के जो आप लोग का पेपर होने वाला है वहां पे बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही बच्चों पे दोस्तों बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो भी वीडियो आपका 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट का बनेगा, ये पूरा 7 मिनट आप लोग देखेंगे तो आपके यहाँ पे मैथ में सारा फियर तो दूर होगा ही, इसके साथ साथ एक अच्छे नंबर आप लोग के आ रहे होंगे। उससे पहले फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग का जो है आज जो SST का पेपर हुआ, क्या सबके लिए यहाँ पे पेपर जो है इजी था या फिर जो है किसी बच्चे के लिए पेपर लेंथी रहा या फिर किसी स्टूडेंट्स को पेपर हार्ड भी लगा। क्योंकि जो फीडबैक जो सबमिट हो रहा है वो फीडबैक जो है मैंने अभी तक सबमिट नहीं किया है, क्योंकि मैंने सोचा कि एक बार जो है आपसे अगेन पूछ लिया जाए, क्या पता जो है यहाँ पे जो है किसी बच्चे के लिए लेंथी रहा हो। क्योंकि मैं जो अभी तक कमेंट्स देख रहा हूँ उस कमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है सभी बच्चे जो है यहाँ पर जो अपने एग्जाम को जो है यहाँ पे जो है इजी कह रहे हैं, NCERT बेस्ड कह रहे हैं, और ये चीजें जो है अभी निकल के सामने आ रही है। अगर आपके लिए हार्ड है तो नीचे कमेंट करिएगा, क्योंकि ये जो ईमेल्स है ईमेल्स में सारा चीज जाना है। अगर कुछ भी नहीं आप लोग के तब से रिस्पॉन्स आएगा तो मैं यहाँ पे इजी सबमिट कर दूंगा। तो प्यार स्टूडेंट्स बात करें अब यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स से शुरू करते हैं, जल्दी से यहाँ पे जो है इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो है आप लोग स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे ये आप लोग का कौन सा चैप्टर है। हम चैप्टर नंबर 1 पे बात करें तो चैप्टर 1 नंबर 1 में क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, यानी कि अगर आप चैप्टर नंबर 1 जो आपका यहाँ पे रियल नंबर है, रियल नंबर को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं तो बेसिक वाले बच्चे और स्टैंडर्ड वाले दोनों बच्चे ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड जो पेपर बना रही है हर साल जो एक क्वेश्चन जो श्योर आपका आता है वो आपका आता है इरेशनल नंबर वाला। आपने देखा होगा, आपने NCERT में टीचर्स ने भी आपको बताया होगा, ये सभी बच्चों को पता होगा, जैसे √3 करके दे दिया जाता है या √3+ जो है यहाँ पे 5 करके दिया जाता है, माइनस करके कुछ इस तरीके से आपको दिया जाता है। क्वेश्चंस 3 नंबर का सवाल आता है और आपको सिंपली जो है बोल दिया जाता है किसको इरेशनल प्रूव करो। ये 3 नंबर का फ्री का नंबर है, ये 3 नंबर जो है आपको फ्री में दिलवा देगा ये क्वेश्चन, क्योंकि हर बार आता है। तो बेसिक वाले बच्चे और स्टैंडर्ड वाले बच्चे दोनों ही जो है ये क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से करिएगा। एक वीडियो जो है आप लोग के लिए और भी बनाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चन जो है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं उसका पूरा कंप्लीट जो है कंबाइंड PDF बनाऊंगा तो वो भी मैं आपको दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैथ को लेकर काफी सारी चीजें जो है आप लोग के लिए यहाँ पे सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ से बाहर कोई पेपर आपको आने नहीं वाला, क्योंकि मैथ में मुझे पता है कि क्या चीज सीबीएसई बोर्ड पूछ रही है, वो सारा चीज जो है आपके साथ यहां पे शेयर कर रहा हूं। एक एक नंबर के छोटे नंबर के जो सवाल हैं आपको यहां पे देखने हैं, तो छोटे नंबर के सवाल जो है यहां पर आप लोग देख सकते हैं। आपका जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो स्टार्टिंग में जो है आपको यहां पे LCM SCM वाला जो आप लोग का जो यहां पे टॉपिक है ना वहां पे जो है वो पूरा का पूरा जो है वहां पे आपका जो है 2 नंबर में 1 नंबर में सवाल आता है, तो वो आप लोग देखेंगे। लेकिन जो बड़े नंबर की बात करें इरेशनल से सवाल आता है तो इसको आपको देखना है। अनदर दोस्तों यहां पे सेकंड चैप्टर पे बढ़े तो सेकंड चैप्टर में दोस्तों यहां पे क्वेश्चंस कहां से आते हैं, तो सेकंड चैप्टर में बात करें तो यहां पे सेकंड चैप्टर का आपका नाम क्या है, पॉलिनोमियल में बेसिकली बात करें तो सवाल कहां से आ रहा है, तो पॉलिनोमियल में दोस्तों एक टॉपिक जहां से सवाल पूछा जा रहा है। पहला वाला टॉपिक तो भूल जाइए, यानी कि ये स्टार्टिंग का जो टॉपिक है उसे भूल जाइए, आप लोग NCERT में जाइए। ये वाला जो है टॉपिक जो आप लोग देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, हर बार सवाल आता है 2 नंबर में, यहां पे जो है मल्टीपल टाइम सवाल देखने को मिला है। आप लोग देखेंगे तो 2-2 नंबर का जो सवाल है वही ज्यादा सीबीएसई बोर्ड पूछ रही है, 2-2 नंबर का सवाल ही ज्यादा पूछा जा रहा है यहां पे। ये 2022 वाला जो है आप लोग को यहां पे नहीं देखना है, क्योंकि 2022 में टर्म 1 और टर्म 2 वाला कॉन्सेप्ट था, जिसके कारण जो है कुछ चैप्टर्स आपको ब्लैंक दिखेंगे या फिर कुछ चैप्टर्स जो है आपको यहां पे कुछ भी नहीं दिखेगा, यानी कि कुछ चैप्टर में लिखा हुआ दिखेगा कुछ चैप्टर ब्लैंक दिखेगा, क्योंकि आपका जो है आधा सिलेबस हुआ था, आधा सिलेबस जो है एग्जाम आया था, तो इस तरीके से आधा 50-50% था। तो ये 2022 को इग्नोर करिएगा। 2020-19 और यहाँ पे 23 यानी कि लेटेस्टली दोस्तों बात करें तो यहाँ पे हर बार सवाल सीबीएसई बोर्ड यहीं से पूछ रही है, और ये जो है आप लोग देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ से सवाल आ रहा है, तो ये टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। अगला यहाँ पे दोस्तों आपका आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दोस्तों बात करें तो यहाँ पे जो है आपका 1 एंड ओनली दोस्तों यहाँ पे बड़े नंबर पे अगर आपको फोकस करना है तो अल्जेब्रिक मेथड जितने भी हैं वो सारा का सारा मेथड आपको कर लेना है। ऊपर स्टार्टिंग का जो आप लोग का टॉपिक है वो 1-1 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बेसिकली जो ज्यादा सवाल आ रहा है बड़े नंबर पे अगर आपको फोकस करना है, आपको पहले पासिंग नंबर कंप्लीट करना है, तो पहले बड़े बड़े टॉपिक्स करिए, तो बड़े टॉपिक्स जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है पूरा बन रहा है। उसके बाद दोस्तों जो है यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोस्तों बेसिकली 2 टॉपिक हैं जो आपको यहां पे कंप्लीट करना है। पहला नेचर ऑफ रूट, NCERT बुक में सारा टॉपिक जो है आपका लिखा हुआ है और वहां से जो है आपका सारे क्वेश्चंस एग्जांपल भी दिया गया है, तो सारे के सारे अभी से ही कर डालिए। और आप लोग कहेंगे तो NCERT का एक एक क्वेश्चन जो है मैं
आप लोग को टिक लगवा दूंगा। आप लोग नीचे कमेंट्स में जो है यस यस ओनली यस यस आपको लिखना है। अगर यस होगा तो मैं एनसीईआरटी के एक ही क्वेश्चन पे आपको टिक लगवा दूंगा। वैसे दोस्तों आप लोगों को मैं सारा टॉपिक यहाँ पे बता रहा हूँ, मेथड ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से भी सवाल आ रहा है, लेकिन नेचर ऑफ रूट्स जो है ये स्टार टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यहाँ से सवाल हर बार बनता है तो ये आपको करना है। अनदर दोस्तों यहाँ पे एपी में बात करें तो एपी में सवाल आपका पूरा सवाल यहाँ पे हर टाइप का बनेगा, जिसमें दोस्तों सम वाले से बात करें तो सम ऑफ एन टर्म है ये वाला जो टॉपिक आप लोग को देख रहे हैं ना, सम ऑफ एन टर्म में जो है यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे जो है पहले ज्यादा बड़े बड़े नंबर में सवाल आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे अब यहाँ पे नए जो आपके सेशन चालू हो रहे हैं, जैसे जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड का दौर आया, सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ से क्वेश्चन जो है कम वेटेज का जो है पूछना चालू कर दिया। 2020 के बाद से ही देखेंगे तो चार नंबर दो नंबर और यहाँ पे लास्ट ईयर जो है एक नंबर का सवाल पूछा गया था, लेकिन वही जो एंथ टर्म वाला जो एपी का जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है कॉन्स्टेंटली सवाल जो है आपके आते रहे हैं, तीन से चार नंबर हर बार देकर जो है ये चैप्टर गया है, तो चार नंबर आपको पूरा कंप्लीट जो है ये पहला वाला टॉपिक आपको दे के जा रहा है, तो ये आपको यहाँ पे एपी वाले में करना है। वहीं एपी के बाद जो है आपका नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे ट्रायंगल, ट्रायंगल में बात करें तो ट्रायंगल में बेसिकली सवाल जो है मैं आपको पहले कहूंगा यहाँ पे जो आपका पूरा कंप्लीट जो है यहाँ पे ट्रायंगल चैप्टर में आपका थ्योरम है, थ्योरम को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। क्रिटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के जो यहाँ पे पूरा कंप्लीट जो ये टॉपिक है ये आपको कर लेना है। हर बार दोस्तों यहाँ पे जो है नंबर बच्चों को पक्के हो रहे हैं, पूरा कंप्लीट जो है ये चैप्टर आपको नंबर जो है दे के जा रहा है, तो ये आपको देख लेना है। और ऊपर वाला जो टॉपिक है यहाँ पे वहां से एक एक नंबर के सवाल आ रहे हैं, एक एक नंबर के जो सवाल है उसको लेकर एक अलग वीडियो बनाएंगे, जहां पे सारा एक एक नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है एक एक जगह जो है यानी एक ही पीडीएफ में लिखकर जो है मैं आपको दूंगा, तो वो आपको बाद में दूंगा। अभी आपका मेन टारगेट जो है आप पहले आप लोग बड़े बड़े टॉपिक को यहां कर लीजिए, बड़े टॉपिक पे लग जाइए, ये दो दिन या एक दिन जो है बड़े टॉपिक पे लगाइए ताकि बड़े टॉपिक जो है आपके कंप्लीट हो जाए, फिर लास्ट में जो है एक दिन आपको रिविजन का भी मिल जाए, तो ये जो है आप लोग को कुछ इस तरीके से चीजें करनी है। आपको वहीं पर बात करें तो यहाँ पे जो है आपका मैंने यहाँ पे बात कर लिया आपका ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करें तो ज्योमेट्री में यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद कर लेना है, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से सवाल आता है, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है और आप लोग देख रहे होंगे सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आ रहा है, हर बार जो है यहाँ पे चार चार नंबर तीन तीन नंबर, यानी कि हर एक चैप्टर का जो वेटेज है आपके मैथ में जितने भी चैप्टर हैं हर एक चैप्टर का वेटेज चार नंबर है, पांच नंबर है, छह नंबर है, तो जो ये चार नंबर या पांच नंबर जो छह नंबर है उसमें दोस्तों चार से पांच नंबर जो है सिर्फ एक ही टॉपिक आपको दिलवा देगा। हर एक चैप्टर में आपको मैं दिखा रहा हूँ, हर एक जो आप जितने भी एक्सरसाइज आपको दिखाया मैंने उसमें आप लोग खुद देख सब देख पा रहे होंगे कि एक ही टॉपिक है हर एक एक्सरसाइज में, जो पूरे नंबर जो है यानी कि मोर देन 50% जो है वो एक ही टॉपिक से सवाल आ रहा है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये आपको देखना है। इसके अलावा जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद जो है यहाँ पे आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है और ट्रिग्नोमेट्री कहूंगा कि इसकी जो है प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करिएगा और एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस कर लीजिएगा, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस मैं आपको टिक लगाऊंगा, आप लोग नीचे कमेंट बस यस करिएगा, आपके यस होगा तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के जो है ट्रिग्नोमेट्री का टिक लगवाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं सबके लगवा दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो, वो क्वेश्चन जो है हर बार जो है सीबीएसई बोर्ड पूछ रही है तो वो क्वेश्चन जो है आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जो है यहाँ पे बात करें तो आपका ट्रिग्नोमेट्री में जो है बेसिकली जो सवाल कहाँ से आ रहे हैं तो दोनों ही टॉपिक्स आ रहे हैं, इससे मैं कहूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस करिएगा, तो यहां पे कुछ चीजें ऐसी है नहीं कि जिससे आप लोग को यहां पे स्किप कर दें, क्योंकि हर एक टॉपिक से बराबर ही सवाल पूछ रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक यहां पर ये हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से ज्यादा सवाल आ रहा है तो इसको आपको एक अच्छी तरीके से देख लेना है। अब यहाँ पे बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री का ही एक और आपका जो है दूसरा जो है जॉइंट चैप्टर है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम यहाँ पे बात करें एनसीईआरटी के लैंग्वेज में बात करें तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे दोस्तों एक ही टाइप का सवाल आता है, वो जो है जैसे कि एक जो काफी इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड में चल रहा है सन का शेडो का जो है एंगल फाइंड करने वाला, तो ये जो सवाल है एलिवेशन का तो ये जो है आपको पूरा कंप्लीट जो है इस तरीके से देख लेना है। और भी काफी सारे सवाल जो है आपको यहाँ पे थीटा फाइंड करने के इसमें आता है, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जो है आपको पीडीएफ बताऊंगा या फिर जो है इंपॉर्टेंट जो है पीडीएफ तो बना ही रहा हूं, इसके साथ साथ जो है मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन टिक लगाऊंगा। एनसीईआरटी जो है एक चीज मैं आपको कहूंगा, जितने भी बेसिक वाले स्टूडेंट्स हैं मैथ बेसिक वाले बच्चे हैं वो पहले कुछ करे ना करे एनसीईआरटी को जरूर करिएगा, एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन है एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि आपका पूरा का पूरा यानी मोर देन दोस्तों 70% 80% पेपर आपका जो है पूरा डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, बेसिक वाले बच्चों को मैं बात कर रहा हूं, वह स्टैंडर्ड वाले बच्चों का जो है क्वेश्चंस थोड़ा सा यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाता है, थोड़ा सा उसको सेम पूछने का यानी क्वेश्चन सेम रहता है लेकिन पूछ लिया जाता है कुछ इस लैंग्वेज में, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस को हार्ड बना दिया जाता है उसके लैंग्वेज को कि वो क्वेश्चन जो है हार्ड हो जाता है बच्चों के लिए, बाकी जो है सब कुछ सेम है। आगे यहाँ पे बात करें तो आपका जो है यहाँ पे आपका नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो सर्कल,
सर्कल में जो है बेसिकली यहाँ पे जो सवाल आ रहा है आपका टेंजेंट ऑफ ए सर्कल से जो है यहाँ पे लास्ट ईयर में काफी सारे भर भर के सवाल पूछे गए, तो ये जो है आपको देख लेना है। तो बराबर दोनों ही टॉपिक का आपको बराबर वेटेज देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादा जो टॉपिक के सवाल आ रहे हैं वो टेंजेंट ऑफ ए सर्कल से ही आ रहा है। टेंजेंट वाला जो पहला टॉपिक ही जो आपका है वहीं से ज्यादा सर्कल में सवाल आ रहा है, तो ये आपको देखना है। और इसके नीचे वाला भी टॉपिक आप लोग देख लेंगे तो यहाँ से भी आप लोग देखेंगे एक नंबर का दो नंबर का पूछ रही है, कभी बोर्ड का मूड हो जा रहा है तो यहाँ पे दो से तीन नंबर भी पूछा जा रहा है। लेकिन जो बेसिकली जो कॉन्स्टेंटली जो सवाल आता जा रहा है वो इंपॉर्टेंट स्टार वाला टॉपिक की बात करें तो टेंजेंट ऑफ ए सर्कल है। एनसीईआरटी में सारा जो है आपको टॉपिक मिलेगा, तो एनसीईआरटी के सारे टॉपिक बता रहा हूं ताकि आप लोग एनसीईआरटी के पेजेस को पलट के जो है वो टॉपिक को आप लोग जो है स्टार मार्क करके पेंसिल से टिक मार्क कर सके। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये जो है चैप्टर ऐसा है जिसमें जो है यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर में आपको सारा चीज करना पड़ेगा। सारा चीज कहने का मतलब ये है कि सारे फॉर्मूले को रटना पड़ेगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में ऑल फॉर्मूले को जो है आपको रटना पड़ेगा। तो ये पूरा चैप्टर में कहूंगा कि सारी चीज कर लेगा। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं इसमें जो मैं आपको टिक लगवाऊंगा अगर आप लोग के नीचे कमेंट्स होंगे, तो एक फॉर्मूला जो है मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दे रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूले जो है आपके इस चैप्टर में है, तो ये पूरा का पूरा आप लोग देख सकते हैं, ये कंप्लीट आपका फॉर्मूला है। आगे भी जो है फॉर्मूले को लेकर यह सारी चीज जो है आपको वन बाई वन करके दी जाएगी, लेकिन जो है इस चैप्टर के बाद जो है यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो है यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसके बाद जो है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला भी चैप्टर है, तो वहां पे भी सारे फॉर्मूला बेस्ड जो है ये सारे एक्सरसाइज जो है कुछ एक्सरसाइज है, दो ही एक्सरसाइज मैंने आपको बताया, ये जो है ये फॉर्मूले पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, तो इनके लिए फॉर्मूला जो है आपको जरूरी है वो करिएगा। प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे सिंपली आते हैं, प्रोबेबिलिटी में बात करें तो प्रोबेबिलिटी में दोस्तों बात करें तो ये प्रोबेबिलिटी का फिक्स नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें हैं जो फिक्स होती है, जैसे डेक वाले सवाल यहाँ पे आते हैं या फिर जो है डाइस वाला सवाल आता है, और भी काफी सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी का जब टिक लगाऊंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में और स्टैटिक्स में आपको एनसीईआरटी के जो है डी टू सवाल देखने को मिलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी का आपको टिक लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी के बाद जो है स्टैटिक्स का भी मैंने बताया, स्टैटिक्स का भी जो है आपको एनसीईआरटी का जो वीडियो बताऊंगा वहां पे सारी चीजों को टिक लगाऊंगा। फिलहाल ने है आपने जो है सारे के सारे जो मैंने आपको टॉपिक बताया ये अभी से ही जो है आप लोग टिक कर लीजिए और जाकर अभी से ही जो है करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है और 11 मार्च कब आ जाएगा पता बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, तो ये चीज जो है आपके यहाँ पे माइंड में चलना चाहिए, बहुत ही कम टाइम है और मैथ का एग्जाम है। बेसिक वाले बच्चे यहाँ पे सारा एनसीईआरटी पहले करिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि आपको एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, आपको अलग अलग तरीके से बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप लोग जो है जल्दी जल्दी लग जाइए और एनसीईआरटी को लेकर या फिर जो है मैथ को लेकर आगे काफी सारी वीडियो मिलेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। मिलते स्टूडेंट्स एक नए वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और एसएसटी के एग्जाम को लेकर नीचे बता दीजिएगा क्या आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसका एग्जाम लेंथी गया या फिर जो है जिसको सेट जो है वो लेंथी मिल गया या फिर हार्ड गया, अपना कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।